हाँ तो भाई अगर स्वागत है फ्री फायर के एक और फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको क्लैश स्क्वाड में कुछ ऐसे सीक्रेट प्लेसेस दिखाऊंगा जहां से आप लोग एनिमी को इजीली मार सकते हो, एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो और अपने टीममेट को भी सरप्राइज कर सकते हो और अपना क्लैश स्क्वाड का जो रैंक है उसको बहुत ही आसानी से प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बकचोदी के, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई बात करते हैं पहले सीक्रेट प्लेस जो कि है संतोषा में। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस डिब्बे पे आ जाना है, स्कोप खोलना है और एक जंप करना है। ठीक है, आप लोग इस बैरिकेड के ऊपर आ जाओगे, फिर आपको क्या करना है, एक यहाँ पे एक सिंपल जंप लेना है। ठीक है, फिर इसके ऊपर आपको घर के ऊपर चढ़ जाना है जंप करके और यहाँ से आप लोग है ना एनिमी को ईजिली मार सकते हो। ठीक है, अगर एनिमी आपको मारता है तो आप लोग यहाँ पर कवर भी बना सकते हो। और ये भोपाड़ी का मेरे को मार रहा था तो मैंने इसका खोपड़ी खोल दिया, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा हाइट का एडवांटेज आपके पास रहता है तो आपका जो है हेड ही लगता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ईजिली हेड शॉट मार सकते हो बंदे को और आप लोग यहाँ से विक्ट्री निकाल सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड सीक्रेट प्लेस की जो कि है केप टाउन में। आपको इसके लिए ग्लूवल लगेगा और आपका एक टीममेट। ठीक है, टीममेट को क्या बोलना है कि ग्लूवल के पास ऐसे खड़ा रहने को बोलना है और आपको क्या करना है, टीममेट के सर के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर चढ़ रहा हूँ। ठीक है, सर के ऊपर चढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो ग्लूवल है ना उसके ऊपर आपको जंप कर देना है। ठीक है, और इसके ऊपर से आप लोग घर के ऊपर जंप कर देंगे तो आप घर के ऊपर पहुँच जाओगे और घर के ऊपर पहुँचने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ खोपड़ा फोड़ सकते हो। ठीक है, हाइट एडवांटेज मिलेगा आपको और एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो। एनिमी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा कि आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हो करके। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। तो हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड सीक्रेट प्लेस जो कि है केप टाउन में ही। पिछले बार मैंने उस साइड का बताया था तो अब मैं इस साइड का बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसके लिए ग्लूवल की ज़रूरत पड़ेगी और ग्लूवल को आपको इस डस्टबिन के पास लगा देने का है। ठीक है, फिर आपको इस डस्टबिन के ऊपर चढ़ना है पहले। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पर एक बंदा आया था, फिर मैंने इसका खोपड़ा खोल दिया। आपको क्या करना है, इस डस्टबिन के ऊपर आने के बाद ग्लूवल के ऊपर चढ़ना है, फिर ग्लूवल के ऊपर चढ़ने के बाद आप लोग सीधा घर के ऊपर जंप कर देंगे तो आप लोग घर के ऊपर पहुँच जाओगे। घर के ऊपर पहुँचने के बाद आप लोग यहाँ से बहुत सारी किल्स अपने लिए निकाल सकते हो। ठीक है, और आप लोग यहाँ से ईजिली अपने और अपने स्क्वाड के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, क्या यार भाई लोग, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दो लाइक। लाइक करने में कंजूसी मत करो, लाइक का जो बटन है उसको तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, दबा के मारो यार लाइक बटन। तो मेरे को बात करते हैं अपना फोर्थ सीक्रेट प्लेस जो कि है पोचिनॉफ में। अगर आप लोग इस पोचिनॉफ के इस वाले साइड पे आते हो ना तो आप लोगों को इस टायर पे जंप करना है, फिर यहाँ से आपको इस टावर से जंप करना है और आप लोग इस घर के ऊपर पहुँच जाओगे। ठीक है, इस घर के ऊपर आने के बाद आप लोग यहाँ से सीधा रन करना है, टायर के ऊपर से जंप नहीं करना। अगर आप लोग जंप करेगा तो सीधा नीचे चले जाओगे। ठीक है, जंप ऊपर आने के बाद, घर के ऊपर आने के बाद आप लोग यहाँ से एनिमी को मार सकते हो और आपका जो कंट्रोल है पूरे मैप पे रहेगा। ठीक है, कौन कहाँ से आ रहा है आप लोग सीधा सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। आप लोग लेफ्ट साइड का जो पूरा एरिया है ना वो आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, और आप लोग यहाँ से एनिमी को मार सकते हो, लेकिन एनिमी को आप लोग सरप्राइज भी कर सकते हो क्योंकि एनिमी को आपका पोजिशन जो है पता नहीं चलेगा। और आप लोग यहाँ से अपने और अपने टीम के लिए बहुत सारे किल्स निकाल सकते हो। ठीक है, और आपका जो विक्ट्री है वो हो जाएगा इजीली, आप लोग यहाँ से भूया निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भाई लोग सब्सक्राइब बटन को मार दो। मुझे नहीं पता हाथ से मारो या फिर अपने लोड से मारो, लेकिन सब्सक्राइब बटन मार दो। ठीक है, और मैं बोलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सायोनारा अस्ता ला विस्ता, बाय बाय।